हाय दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं फार्माकोथेरापिटिक्स के एमआई के बारे में मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक क्या होता है और इसके क्या कोज हैं वो हम देख लेंगे इस वीडियो के अंतर्गत और इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं तो दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले डेफिनेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है तो दोस्तों देख लेते हैं तो डेफिनेशन क्या कह रही है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी एम आई एम आई की फुल फॉर्म होती है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन दोस्तों इसमें ये है ई एम आई ये ई एम आई यानी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक अथवा हार्ट अटैक भी कहती थी इज अ कंडीशन करेक्टराइज बाई डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यूज जो दोस्तों हमारे हर्ट होता है उसके टिश्यूज की इसमें डेथ हो जाती है ड्यू टू क्यों हो जाती है उनकी डेथ ड्यू टू डिस्टर्बड और ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड सप्लाई क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती ब्लड की सप्लाई रुक जाती है इट कैन ऑल्सो भी डिस्क्राइब्ड एज इवर्सीबल डेथ ऑफ हार्ट सेल्स ड्यू टू स्कीमिया ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन मायोकार्डियल इन्फेक्शन और अ हार्ट अटैक मतलब ये कि ये अथवा ये भी बोल सकती हैं इज अ कंडीशन इन हुइज द ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ हर्ट स्टॉप्स और इज हाईली इनएडिकेट कॉजिंग दैट पार्ट ऑफ हर्ट मसल टू डाई एंड फेल टू पंप ब्लड इसलिए हमारा जो हर्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता पर्याप्त मात्रा में दिस कैन डिसरप्ट द पम्पिंग सिक्वेंस ऑफ द एंटायर हर्ट दस ब्लड फ्लो टू द रेस्ट ऑफ बॉडी इस प्रकार हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो हमारी बॉडी में रेस्ट कर रहा होता है रेड्यूस और मे ईवन स्टॉप लूविंग टू बी फैटल इफ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली ठीक है दोस्तों ये है इसकी डेफिनेशन तो दोस्तों और देख सकते हैं अभी इसमें टाइप्स दिया गया है टाइप्स क्या है डिपेंडिंग ऑन एनाटोमिकल और मोरफोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एम आई ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स दो टाइप्स में से बांटा गया है पहला है ट्रांसम्यूरल एम आई तो इन दिस टाइप इसमें देख लेती हैं, इन दिस टाइप द इफेक्टेड मसल्स सेगमेंट्स जो हमारी मसल्स इफेक्टेड हो गई हैं अंडरगोज इसकेमिक नेक्रोसिस विच विच नेक्स्ट है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम थ्रू माओकार्डियम दोस्तों एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम को किसके थ्रू जाता है ये माओकार्डियम के जरिए ठीक तो है, है तो नेक्स्ट है नॉन ट्रांसम्यूरल एम आई दूसरा टाइप है नॉन ट्रांसम्यूरल एम आई तो इन दिस टाइप द एरिया ऑफ स्कीमिक निक्रोसिस इज लिमिटेड टू द एंडोकार्डियम और द मायोकार्डियम इट इज द एंडोकार्डियल एंड सब एंडोकार्डियल जोन्स ऑफ द मायोकार्डियल बॉल सेगमेंट देट आर द लीस्ट परफ्यूज रीजन्स ऑफ द हर्ट एंड द मोस्ट बल्नरेबल टू कंडीशंस ऑफ स्कीमिया ठीक है दोस्तों ये है नॉन ट्रांसम्यूरल एम अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल यही नहीं यहाँ देखें हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो दोस्तों ये क्या होता है इसमें होता है कि इसमें क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एम आर, तो सडन चेस्ट पेन अचानक सीने में दर्द होने लगता है रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म और लेफ्ट साइड ऑफ द नेक तो दोस्तों लेफ्ट आर्म हमारी जो बाई ब है उसकी तरफ या लेफ़्ट साइड ऑफ द नेक जो हमारी गर्दन है उसके भी लेफ़्ट साइड में ठीक है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग सांस लेने में परेशानी होती है एनजाइटी यानी चिंता होने लगती है स्वीटिंग पसीना आने लगता है तो पालपीटेशंस ऑफ ट्रेमर्स ठीक है दोस्तों ये होने लगते हैं नोसिया एंड वॉमिटिंग यानी जी घबराता है जी मचलता है और वोमिटिंग उल्टी आना शुरू हो जाती है ये इसके सिम्टम्स हैं इन फीमेल्स बात की जाए महिलाओं की औरतों की तो उनमें वीकनेस देखी जाती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी होती है फैटी गाई यानी थकावट महसूस होती है फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन आर ऑब्जर्वर ठीक है दोस्तों तो कब्ज की शिकायत भी बनती है नेक्स्ट है तो दोस्तों इनको कैसे दूर किया जा सकता है अगर किसी में ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में तो दोस्तों नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है सबसे पहले स्मोकिंग सेसेशन स्मोकिंग सेसेशन यानी धूम्रपान से बचना ही इट शुड बी प्रायोरिटीज वैन रिड्यूसिंग रिस्पेक्टर्स ठीक है दोस्तों तो पेशेंट्स शुड बी हेल्पड इन अवॉर्डिंग वेट गेन अगर आपको वेट गेन हो रहा है तो उसे अवॉर्ड करना है उसे कम करना है एसोसिएटेड विद क्विटिंग स्मोकिंग और स्मोकिंग को छोड़ना है ठीक है डाइट में क्या शामिल करना है आपको वो देख लेते हैं नंबर दो पर है डाइट अ गुड डाइट हैज़ अ प्रिवेंटिव इफेक्ट इन एडिशन टू इम्प्रूविंग स्टेब्लिस्ड रिस्क फैक्टर्स तो डाइटरी चेंजेस मस्ट बी मेन्टेड ओवर टाइम तो दोस्तों डाइटरी का आपको चेंज करना पड़ेगा टाइम बे टाइम ठीक है तो सेचूरेटेड एंड ट्रांस फैटी एसिड्स जो सेचूरेटेड फैटी एसिड है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है और ट्रांस फैटी एसिड रिच फूड शुड बी रिप्लेसड विद अनसेचुरेटेड फेट्स दोस्तों अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं उनसे रिप्लेस करना पड़ेगा सेचूरेटेड ट्रांसफेटी एसिड्स को जैसे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए कैनोला ऑयल एवाकोड्स आलमंड्स यानी बादाम ठीक है द मोस्ट प्रूवन डाइट्री इंटरवेंशन इज अ बैलेंस्ड डाइट हाई इन वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स ठीक है वेजिटेबल्स का अच्छी तरह इस्तेमाल करें हरी सब्जियाँ क्या है लेग का इस्तेमाल करें लो इन मीट मतलब मीट भी खाएँ तो हल्की लो इन डेयरी डेयरी में जो फैट्स हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें एक्सेप्ट योग एंड चीज दोस्तों योग होता है दही और चीज़ होता है पनीर इनको छोड़कर डेली कंजप्शन ऑफ नट्स एंड ऑलिव ऑयल ठीक है दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं आपको बॉडी वेट बॉडी वेट में बात की जाए तो ओबेसिटी रिस्क कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग बीट सर्कुमरस ठीक है दोस्तों तो एन एक्सीलेंट इंडिकेटर ऑफ रिस्क तो दोस्तों ये सबसे बड़ा रिस्क होता है एंड कैलकुलेटिंग बीएमआई, तो ग्रेटर द बीएमआई, ग्रेटर द बीएमआई, एम इज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज ए डोमिनल ओबेसिटी इज रिलेटेड टू डिटरमेंटल चेंजेस इन इंपोर्टेंट रिस्क फैक्टर ठीक है दोस्तों तो देख लेते हैं आप या देख लेते हैं सेकंड नंबर पर क्या है वेट जो हमें लॉस करना है बॉडी वेट उसके बारे में बात कर रहे हैं तो रिड्यूड ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए क्या इस्तेमाल करें लोअर यानी ये होता है एलडीएल इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं दोस्तों ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं तो एलडीएल को ही बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि लो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या होती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इसकी फुल फॉर्म होती है ये सबसे बेड कोलेस्ट्रॉल होता है अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो हमारी बॉडी मतलब हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा इंक्रीज होगा ठीक है तो एंड ट्राइग्लिसराइड्स एंड ग्रेटर एच डी एल कोलेस्ट्रॉल तो दोस्तों ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल ये होता है गुड़ कोले कोलेस्ट्रोल कहा जाता है एच को इसकी हाई डेंसिटी लाइफ प्रोटीन होती है फुल फॉर्म की बात की जाए तो ठीक है और इसका आप ज़्यादातर इस्तेमाल करोगे एच का तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगा उससे कोलेस्ट्रोल लेवल हमारा ज़्यादा बढ़ेगा नहीं ठीक है दोस्तों इससे हमारा बहुत ये देर आए दोस्तों ये यहाँ देख सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ लूजिंग वेट लूजिंग वेट करने में एडवांटेज करता है कौन सा एच हाई डेंसिटी लाइफ प्रोटीन ठीक है अब देख चले दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी करके तो फिजिकल एक्टिविटी में क्या है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी लोअर्स द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड मोर्टलिटी रेट तो दोस्तों ये मृत्यु दर को कम करता है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उससे हमें बचाता है इट आल्सो लोअर्स द लोअर्स द चांसेस ऑफ ओबेसिटी हाई ब्लड प्रेशर एंड अ पुअर लिपिड प्रोफाइल तो मॉडरेट इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड सिग्निफिकेंट हेल्थ एडवांटेजेस एंड इम्प्रूविंग फिटनेस कैन हेल्प टू लीवर लॉन्गर लाइव लॉन्गर ठीक है तो दोस्तों फिजिकल एक्ट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है शारीरिक व्यायाम भी अब देख लेते हैं दोस्तों फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब दवाइयों के सहारे कैसे आप इसे ठीक कर सकते हो तो हार्ट अटैक्स आर ट्रीटेड इन एमरजेंसी रूम तो दोस्तों हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो एमरजेंसी रूम्स में होता है ठीक है द ब्लॉक्ड आर्ट्रीज ऑफ हर्ट आर ट्रीटेड बाई परफॉर्मिंग अ सर्जिकल प्रोसीजर कोल्ड एनजियो प्लास्टिक तो दोस्तों इसमें जो सर्जरी होती है वो एनजियो प्लास्टिक चलाती है प्रोसीजर कोल्ड एनजियो प्लास्टिक इन हुज द सर्जन सर्जन के द्वारा तो इन सर्ट्स कैथेटर विद अ स्मॉल वॉल्यून तो दोस्तों ये स्मॉल वॉल्यून का यूज करते हैं सर्जन थ्रो द ब्लॉग आर्ट्री जो हमारी आर्ट्री ब्लॉग्ड हो गई हैं उन्हें खोलने के लिए एंड इन फ्लेट्स इट टू एक्सपेंड द आर्ट्री ठीक है तो देख लेते हैं दोस्तों दिस रिस्टार्ट द नॉर्मल ब्लड फ्लो तो दोस्तों ब्लड फ्लो मतलब रिस्टार्ट नॉर्मल हो जाता है एनजियो प्लास्टी कैन ऑल्सो बी परफॉर्मड बाई प्लेसिंग अटैंड इन द ब्लॉक्ड आर्ट्री विच होल्ड्स ओपन द आर्ट्री एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग ब्लॉक्ड अगेन ठीक है दोस्तों पार्ट नेक्स्ट देख सकते हैं अब पार्ट फ्रॉम एनजियो ये एनजियो का पार्ट है हार्ट अटैक पेशेंट्स आल्सो रिक्वायर्स द दॉलोइ मेडिकेशंस तो दोस्तों एनजियो के साथ साथ पेशेंट्स को रिक्वायर होती है मेडिकेशन की तो वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट है ब्लड थिनर्स सबसे पहला है ब्लड थिनर्स मतलब ब्लड को पतला करने वाले तो वो है दोस्तों एस्प्रिन एस्प्रिन तो दीज ब्रेक द ब्लड क्लॉट्स इन द आर्ट्री टू रिज्यूम नॉर्मल नॉर्मल ब्लड फ्लो तो दोस्तों एस्परिंट सबसे बेस्ट ड्रग्स है ब्लड को पतला करने के लिए तो दीज ब्रेक तो दोस्तों ये तोड़ती है ब्लड के क्लॉट्स को जो क्लॉट हो जाते हैं हमारी आर्टरीज में जिससे हमारा ब्लड सप्लाई है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है यानी रुक जाता है तो उसे नॉर्मल करने के लिए एस्परिट का यूज़ किया जाता है तो रिज्यूम नॉर्मल ब्लड फ्लो तो ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है एसप्रिंट का यूज करके ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है नंबर दो थ्रोम्बोलाइटिक्स तो थ्रोम्बोलाइटिक्स का यूज़ करके हम तो दीज डिजोल्व द क्लॉट्स जो क्लॉटिंग हो गई है ब्लड के थक्के जग, जम गए हैं उन्हें डिजोल्व कर देता है ये उन्हें घोल देता है ये ऐसी ड्रग्स है थ्रोम्बोलाइटिक्स ठीक है नेक्स्ट है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स तो दोस्तों क्लोपीडोग्रेल क्लोपीडोग्रेल तो दीज प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स एंड ग्रोथ ऑफ एग्जाइटिंग क्लॉट्स तो दोस्तों ये नए क्लॉट्स बनाने का काम करती है ये ड्रग्स एंटीप्लेटलेट एंड ग्रोथ ऑफ एग्जिस्टिंग क्लॉक ठीक है और एग्जिस्टिंग क्लॉथ में ग्रोथ करती है तो नाइट्रोगलेसरीन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चार तो नाइट्रोगलेसरीन है इट बाइड द ब्लड वेसल्स तो दोस्तों इनका क्या काम है नाइट्रोग्लिसरीन का जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी उन्हें ये छोड़ा करने का काम करती हैं क्या करती है फैला देती हैं ऐसे कोई ये है तो ऐसे ऐसे कर देती है मतलब ये तो छोटी हो गई तो इसे चौड़ा कर देती है ये काम है नाइट्रोग्लिसरीन का ठीक है नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स बीटा ब्लॉकर्स का क्या काम क्या होता है दीज लोअर ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्स द हार्ट मसल्स व्हिच में रिड्यूस द डैमेज सेवेरिटी तो दोस्तों ठीक है दोस्तों दीज लोअर ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्स द हार्ट मसल्स व्हिच में रिड्यूस द डैमेज सेवेरिटी ये बीटा ब्लॉकर्स का काम होता है नेक्स्ट है ए सी ई इन्वेटर ए सी इनिवेटर लोअर ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस स्ट्रेस दोस्तों स्ट्रेस को कम करती है ठीक है दोस्तों जिससे हमें आराम मिलता है नेक्स्ट है पेन रिलीवर्स तो पेन रिलीवर्स का क्या काम है दोस्तों पेन रिलीवर्स दीज़ रिलीव द पेशेंट फ्रॉम एनी डिस्कम्फर्ट कोई भी डिजीज हो उससे राहत मिलती है पेन रिलीवर्स को लेके ठीक है दोस्तों ये सभी में काम करती है पेन रिलीवर्स तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू दोस्तों